नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करते हैं 19वीं सदी के अग्रणी धर्म और समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में तनकरा मोरवी क्षेत्र गुजरात के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम मूलशंकर था। इन्होंने 1845 में अपना घर छोड़ दिया और वेदों का अध्ययन एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने मथुरा में स्वामी वीरजानंद को अपना गुरु बनाया। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया जिसका उद्देश्य ऐसे हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी जिन्होंने पूर्व में हिंदू या अन्य धर्म अपना लिया हो। इन्होंने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज वेदों की पूर्णता एवं शुद्धता में विश्वास रखता है। इस आर्य समाज में हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, तंत्र मंत्र आदि का घोर विरोध किया गया है। आर्य समाज कर्म के सिद्धांत एवं आत्मा के आवागमन को मान्यता देता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दो नारे दिए गए जिनमें पहला वेदों की ओर लौटो और दूसरा भारत भारतीयों के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। इनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई जिनमें सत्यार्थ प्रकाश, रत्नमाला, वेदांग प्रकाश और संस्कार विधि प्रमुख हैं। MDS ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना 1875 ईस्वी में हिंदी भाषा में की थी। MDS का सिद्धांत कर्णवंतो विश्वमार्यम था, अर्थात सारे संसार को श्रेष्ठ मानव बनाओ। MDS की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को दीपावली के दिन हुई। मृत्यु के समय इनके अंतिम शब्द हे प्रभु तूने अच्छी लीला की, आपकी इच्छा पूर्ण हो, ये शब्द इनके अंतिम शब्द रहे।